हाय दोस्तों, जानकीज कुकबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चीज कॉर्न सैंडविच की रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, अब उसमें एक चम्मच बटर डालेंगे। बटर गर्म हो जाने पे हम 1.5 चम्मच मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे। आटे को अच्छे से सेकेंगे जब तक कि वो लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। अगर हम आटे को कच्चा रखते हैं तो उसका स्मेल रह जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप ध्यान रखें कि आटा अच्छे से सिक जाए। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम इसमें 1.5 ग्लास दूध डालेंगे। दूध डालते हुए ध्यान रखें कि आप इसे घुमाते हुए डालें, वरना इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे। इसे हम उबलने देंगे। उबलते हुए आप देखेंगे कि ये थिक हो जा रहा है। हमने ध्यान रखना है कि ये नीचे चिपक ना जाए पैन में, इसीलिए हमें इसे घुमाते रहना है। अब व्हाइट सॉस थिक होने लगा है तो हम इसमें बॉइल्ड कॉर्न डाल देंगे। मैंने लगभग 1.5 कप कॉर्न डाला है। और अब बेल पेपर्स या कैप्सिकम डाल देंगे। मैंने रेड, येलो, ग्रीन तीनों कैप्सिकम डाला है। आप अपने हिसाब से जो भी कैप्सिकम अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब सब मिक्स करके इसे थिक होने दीजिए। सॉस अब काफ़ी हद तक थिक हो गया है तो हम इसमें 1 क्यूब चीज़ डाल देंगे और सब कुछ मिला देंगे। चीज़ मेल्ट हो जाने पे हम गैस टर्न ऑफ कर देंगे और इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने पे और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। लगभग 20 मिनट हो गए हैं तो अब हम सैंडविच बनाना चालू करते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, इसमें मैं बटर लगाऊंगी। व्हाइट सॉस को मिक्स करके इसे अब सैंडविच पे स्प्रेड कर देंगे। अब सैंडविच को सैंडविच मशीन या ग्रिलर में डाल के इसे सेकने देंगे। मैंने मर्फी का मशीन यूज़ किया है। तो ये हो गई हमारी सैंडविच तैयार। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए, तो आप प्लीज़ उसे चेक कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय दोस्तों।